में धर्म के आधार पर नागरिकता देने का बिल पहली बार पास हुआ। बिल में कहा गया है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता मिलेगी, लेकिन धर्म को राष्ट्रीयता का आधार बनाने वाले पाकिस्तान में सिर्फ हिंदुओं पर ही नहीं, ईसाइयों पर भी अत्याचार होता है। वहीं भारत में ये बात फैलाई जा रही है कि पाकिस्तान में हर हिंदू का धर्मांतरण होता है और वहां हिंदुओं की आबादी ना के बराबर रह गई है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी के बढ़ने की रफ्तार भारत में हिंदुओं की आबादी बढ़ने की रफ्तार से कहीं ज्यादा है। पहले जान लीजिए कि नागरिकता संशोधन बिल पर हुई बहस के दौरान पाकिस्तान की हिंदू आबादी के बारे में किस कदर झूठ बोला गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 1947 में पाकिस्तान में 23% हिंदू थे, लेकिन वही साल 2011 में यह आंकड़ा 3.4% रह गया। 1951 की जनगणना के मुताबिक पाकिस्तान में 12.9% हिंदू थे। बता दें कि पश्चिमी पाकिस्तान में 1.6% और पूर्वी पाकिस्तान में 22.05%। वहीं 2011 की जनगणना के मुताबिक बांग्लादेश की कुल आबादी में 8.5% हिंदू हैं, यानी करीब 1,40,00,000। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार 2017 की जनगणना के हिसाब से पाकिस्तान की आबादी 20,70,00,000 है। इससे पहले 1998 में जनगणना हुई थी, जब पाकिस्तान में हिंदुओं की तादाद 20,10,000 थी, यानी कुल आबादी का 1.6%, जो 2017 की जनगणना के मुताबिक 3.3% हो गई है। हिंदू काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के अनुसार हिंदुओं की आबादी पाकिस्तान में 4% है। 1981 की जनगणना की तुलना में पाकिस्तान में हिंदू आबादी 93% बड़ी है। हिंदू काउंसिल के मुताबिक पाकिस्तान में 80,00,000 हिंदू रहते हैं। सिंध में सबसे ज्यादा हिंदू आबादी है। अल्पसंख्यकों में आबादी के बढ़ने की रफ्तार बहुसंख्यकों की तुलना में ज्यादा है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं, लेकिन इस आधार पर वहां हिंदुओं की आबादी घटने के बारे में झूठ बोलकर भ्रम फैलाने को जायज नहीं कहा जा सकता। न्यूज़ डेस्क।